नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका नाम है करियर। देखिए, आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में। और सर, मैं आपका आज स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बेहतरीन करियर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये करियर है कंपनी सेक्रेटरी, एक प्रोफेशनल करियर जिसमें आपके पास बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा पैसा है और बहुत सिक्योरिटी भी है। सो इस कोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं सर आपका पुनः एक बार अपने स्टूडियो में स्वागत करूंगा। और मैं चाहना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो कोर्स है, इसके लिए किस तरह का एटीट्यूड चाहिए बच्चे के अंदर और किस तरह का पैशन चाहिए उसके अंदर? देखिए, इसके लिए बहुत रिग्रेसिव पैशन चाहिए क्योंकि ये कोर्स आसान नहीं होते, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये मेहनत मांगते हैं बच्चे को मेहनत करने की। अगर आपका अक्यूमन है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप मेहनत करने, आप यू आर लेबोरियस और आप मेहनत करना चाहते हैं, आप में पढ़ने का मादा है, देन यू शुड डू दिस कोर्स। दिस कोर्स ओपन यू डोर्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पर अपार्ट फ्रॉम दैट सर, ये तो एक बहुत ही आपने सही बताया कि बहुत मेहनती होना चाहिए बच्चा, उसमें जुनूनी होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो कोर्स है ये उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है जो कि थ्योरी में अच्छे हैं, जिनको लॉ पढ़ना है, जिनको लॉ प्रोफेशन पे अट्रैक्ट करता है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जिनको अपनी बातों को कम्युनिकेट करने में मज़ा आता है? हाँ, वो उन लोगों के लिए तो प्रेफर करते हैं ये कोर्स, कारण कि ये पढ़ाई काफ़ी, क्योंकि इसमें सीए जैसे कंपेरेटिवली एक दूसरा कोर्स होता है सीए, वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ टेक्स्ट मटेरियल ज़्यादा होता है। और इसमें लॉ की पढ़ाई है तो लॉ में आपको बहुत सारे सेक्शंस याद होने चाहिए, लॉ में आपको बहुत सारी बातें याद रखनी होती हैं, आपको रेफरेंस देने होते हैं, सो ये आपकी मेमोरी और आपको बहुत पढ़ने का शौक होना चाहिए, तो आपके लिए ये कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। मैं इस बात से सर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ कि यदि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आपका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छा है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन ये बेहतरीन है, आपको याद करने में मज़ा आता है, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है, आप थ्योरी पढ़ के थ्योरी में अच्छे मार्क्स लेते रहे हैं, तो फिर कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ में अपना पैशन होता है, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, वहीं हमारी एनर्जी फ्लो होती है और वहीं हमारी सक्सेस भी चली जाती है। सो सर, दूसरे सवाल में आपके साथ ये पूछना चाहूँगा सर कि ये जो कोर्स है, ये क्या कॉमर्स वाले स्टूडेंट करें या साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं? सर, ये कोर्स कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट को छोड़कर किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, किसी भी परसेंटेज से पास हुआ स्टूडेंट ये कोर्स कर सकता है। इट्स ओपन फॉर ऑल, यहाँ हम कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कोई बैरियर नहीं देते हैं। हमारा मानना ये है कि एजुकेशन सबके लिए खुली होनी चाहिए और हम इसी पैटर्न पर काम करते हैं, तो हम ये कोर्स सबके लिए खुला है, सिवाय फाइन आर्ट्स की, ललित कला जो विषय होते हैं उसके स्टूडेंट्स को छोड़ के, और इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल यूथ बहुत जल्दी सब कुछ कर लेना चाहता है। सो ट्वेल्थ के बाद भी ऑप्शन है और ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शन है, क्या ये ऐसा दोनों पॉसिबल है? तीन स्टेज कोर्स है। अगर आप ट्वेल्थ पास करके कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक फाउंडेशन कोर्स देना पड़ेगा विच कन्फर्म्स योर एलिजिबिलिटी टू मेन स्ट्रीम, जो आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म करता है कि आप तैयार हैं मेन सीएस कोर्स में जाने के लिए। इट्स अ थ्री स्टेज कोर्स। पहली स्टेज होती है फाउंडेशन, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी प्रोफेशनल। अगर आप ट्वेल्थ पास करके सीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन का रूट लेना पड़ेगा। उसमें एक एलिजिबिलिटी है कि आपको ट्वेल्थ पास होना चाहिए, ट्वेल्थ अपीयरिंग होना चाहिए आपको, और ट्वेल्थ अपीयरिंग स्टूडेंट को विद इन सिक्स मंथ्स उनकी पासिंग मार्कशीट जमा करानी होती है, और उसको साल में दो बार एग्जाम होते हैं हमारे, जून और दिसंबर में। तो दिसंबर एग्जाम के लिए लास्ट कट ऑफ डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, वो 31 मार्च है, और 30 सितंबर है अगले साल जून में देने के लिए। ग्रेट। तो सर, इसका ये मतलब हुआ कि हम ट्वेल्थ के बाद में भी इस कोर्स को कर सकते हैं? हाँ, ट्वेल्थ करने के बाद आपने तीन बेहतरीन साल बचा सकते हैं। इसमें इस तरह से होता है कि अगर आप फाउंडेशन पास करते हैं तो आपको विदाउट ग्रेजुएशन सीधा एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिल जाती है, और बाय द टाइम यू आर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू कैन आल्सो बी अ सीएस क्वालिफाइड प्रोफेशनल। सो दोस्तों, आप अगर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ट्वेल्थ के बाद आप ग्रेजुएशन करते करते कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं और अपने तीन साल बचा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए फाउंडेशन एग्जम्प्ट हो जाएगा, एम आई राइट सर?
फाउंडेशन एग्जाम्ट होगा, उनको सीधी मेन स्ट्रीम जो हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट है उसमें एडमिशन मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन पास करने के बाद उनको करीब करीब 2 से 2.5 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे. तो इट्स माई एडवाइस कि यू शुड स्टार्ट दिस कोर्स आफ्टर पासिंग योर 10+2 एग्जाम एंड एज अर्ली एज पॉसिबल टू सेव योर टाइम. सिंस इट इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स तो आप अपने इसको अपनी रेगुलर स्टडीज के साथ कर सकते हैं. इससे आपकी रेगुलर स्टडीज कभी भी अफेक्ट नहीं करेंगी. और आपके साथ के साथ अगर इफ़ यू आर बीकॉम स्टूडेंट और लॉ स्टूडेंट तो आपकी बीकॉम और लॉ की प्रिपरेशन भी इस सीएस कोर्स के सिलेबस में कवर हो जाती है. सर अभी जो आपने बात बोली उसमें से दो बातें निकल के आ रही है, एक तो लॉ स्टूडेंट और एक कॉमर्स स्टूडेंट जिनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है क्योंकि उन्होंने उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उसी लेवल पे चला जाता है. सर क्या है कि समवेयर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं कॉमर्स और लॉ से रिलेटेड मैटर्स ज़्यादा होते हैं, आर्ट और साइंस वाले भी इसमें एक्सेल कर सकते हैं बट दे हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट. कॉमर्स वालों को ये आसान इसलिए होता है कि ट्वेल्थ में उन्होंने कुछ कॉमर्स से रिलेटेड ट्वेल्थ में सब्जेक्ट पढ़े होते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. आर्ट्स एंड साइंस वालों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है इनिशियली. सो सर अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है और एक लॉ वाले स्टूडेंट है तो किस तरह का एटीट्यूड चाहिए कॉमर्स वाले, किस तरह की सर्विसेज उन्हें कॉर्पोरेट में मिलेगी लॉ वाले स्टूडेंट को और एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट को? देखिए कॉमर्स के थ्रू अगर आप कंपनी सेक्रेटरीशिप करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं एंड प्रोवाइड दी सर्विसेज टू लीगल कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ऑन अदर ऑन लॉ स्ट्रीम सब्जेक्ट स्टूडेंट कैन परस्यू सीएस अलोंग विद देयर लॉ स्टडी and become a corporate lawyer and be an expert in merger and amalgamations. Since it is a time of takeover and worldwide companies are coming to India, our companies is taking over business across the globe. So there is a need of trained professionals and corporate lawyer can look at the aspect of merger and amalgamation through law angle also and through business angle also. Great. तो दोस्तों जो अब आप कॉरपोरेट सेक्टर में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें अकाउंटेंसी इन्वॉल्व होती है, जैसे सर ने बताया मर्जर में अमेलगमेशन में वहाँ जर्नल एंट्री भी करनी पड़ती है. सो अगर इस तरह की सर्विसेज हैं तो वहाँ पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स सुटेबल होते हैं, लेकिन कोई कंपनी ऐसी नहीं जहाँ पे सिर्फ कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं, अदर देन कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स भी है जहाँ लॉ इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि CRPC भी है, CPC भी है और देर आर सो मेनी लॉज, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, ESI भी है, PF भी है, तो देर आर सो मेनी लॉज और जहाँ पर मुझे लगता है एक लॉ स्टूडेंट भी अपना परफॉर्मेंस दे सकता है. सर जो CS फाउंडेशन जो कोर्स है उसमें ये क्या कोर्स 12th के सब्जेक्ट पर ही बेस्ड है? हाँ ये 12th का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जहाँ पर आपको फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको थोड़ा दिया जाता है. इट्स अ बेसिक टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, आपको बेसिक नॉलेज हो जाए. इट्स देयर टू आपकी नींव मजबूत करने का काम करता है ये. इसके बाद आप एक बार आपकी नींव मजबूत हो जाती है तो फिर आप एक अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं. उसी तरह अगर आपने फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो फिर आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी. हाँ सर मैं इस आपकी बात से एक नया मतलब निकाल रहा हूँ कि जो बच्चे CPMTA का एग्ज़ाम दिए, नेट का एग्ज़ाम दिए या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए और उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली और वो अब 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उनकी बेसिक्स कॉमर्स और अकाउंटेंसी के बारे में इम्प्रूव हो जाएगी अगर वो फाउंडेशन कोर्स करते हैं. तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ के साथ ये अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा मौका है और उनके लिए ये कोर्स करने से उनकी बेसिक्स ऑफ कॉमर्स जो 11th और 12th में वीक रह गई वो उनकी पूरी हो सकती है. इसके अलावा सर मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट रेगुलर एग्जीक्यूटिव स्टडी मटेरियल के साथ फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल भी देता है. अच्छा ग्रेट. वो इसलिए देता है कि आप पहले बेसिक इन फाउंडेशन की बुक्स से पढ़ लीजिए देन यू गो फॉर दी मेन स्ट्रीम. तो उसमें क्या होता है कि वो किताबें इस कॉस्ट में ही शामिल हैं, एक्स्ट्रा किताबें हम देते हैं ताकि बच्चा बेसिकली 12th के लेवल से एक बार उसके डाउट्स क्लियर हो जाए देन वो एडवांस लेवल की ओर बढ़ सके. ये बहुत अच्छी स्टेप्स है, हालांकि बच्चों को शायद ही समझ आती होगी पर ये बात सही है
कि जब तक आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं होगी तब तक आपकी बिल्डिंग अच्छी नहीं बन सकती. सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनको फाउंडेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है. मैं कहूँगा कि उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को बिना फाउंडेशन ठीक किए बिना आगे बढ़ नहीं सकते. सर, CS एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम है उसमें कितने ग्रुप्स हैं? उसमें 2 ग्रुप हैं, चार चार सब्जेक्ट एक ग्रुप में है. आप चाहें तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, आप चाहें तो एक एक ग्रुप. ये बहुत कंफर्टेबल है. वो बच्चे जो दो दो कोर्स कर रहे हैं वो एक एक ग्रुप करके भी आगे बढ़ सकते हैं. और हमारा रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन का 3 साल वैलिड होता है, जिसमें आप 6 एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं. कोई भी 3 साल के अंदर पढ़ने वाला आप हर एग्जाम दे सकते हैं. और सिमिलर वे फाउंड एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए हमारे 5 साल की वैलिडिटी है, जिसमें आपको 10 अटेम्प्ट मिलेंगी. तो उसमें आप टुकड़ों में अपने सहूलियत के हिसाब से क्लियर कर सकते हैं. दूसरी चीज, हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पूरे भारत में है. तो सपोज आप मान लीजिए लॉ करते हुए आप बेंगलोर में हैं, तो यू कैन गिव एग्जाम एट बेंगलोर ऑल्सो. आप बॉम्बे में हैं तो बॉम्बे में दे सकते हैं. वी ऑपरेट ऑन सेंट्रलाइज सिस्टम. ये भी बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चे जो हैं वो एक ही जगह नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता रहता है. तो हर लगभग इंडिया के हर कोने के में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का जो ऑफिस है वो है. सो वहाँ पे जाके वो अपने एग्जाम सेंटर के ऊपर भी एग्जाम दे सकते हैं. इवन हमने एग्जाम सेंटर ऐसी जगह बना रखे हैं जहाँ हमारे ऑफिस नहीं है. अच्छा, जैसे राजस्थान में ले लीजिए, सीकर और झुंझुनू में हमारा ऑफिस नहीं है, बट दे आर एग्जाम सेंटर. चित्तौड़ में नहीं है, चित्तौड़ में एग्जाम सेंटर है. तो हमने बहुत जगह एग्जाम सेंटर दे रखे हैं बच्चों की सहूलियत के लिए. और सर, ये फाइनली जो फाइनल जिसको हम प्रोफेशनल एग्जाम बोलते हैं, फाइनल एग्जाम, इसमें कितने ग्रुप हैं? इसमें सर 3 ग्रुप हैं, 3-3 सब्जेक्ट होते हैं. 8 सब्जेक्ट आपके फिक्स्ड हैं. 9 सब्जेक्ट आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है. और वो आपका ओपन बुक एग्जाम होता है. सो यू कैन कैरी योर नोट्स एंड बुक्स, टेक्स्ट बुक्स. ये बहुत अच्छा इनोवेशन है जो इंस्टीट्यूट ने किया है. आपको बुक दी जाएगी, आपको उस बुक का यूज़ करना है और एग्जाम के हिसाब से उसमें लिखना है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिस में भी तो ऐसा ही करना है. क्योंकि प्रैक्टिस में जैसे बुक्स रहती हैं प्रोफेशनल के पास, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो आना चाहिए. तो ये एक बेसिक स्टेप है कि उनको अभी से इस तरह से इनकलकेट किया जाए कि उनकी प्रैक्टिस बने. और सर, एक ट्रेनिंग एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग स्टार्टिंग से मिल जाती है. सो CS में ट्रेनिंग एस्पेक्ट कितना है, जिसमें वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाए और अपने काम को सीखे? CS में जैसे हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, और हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. अगर आप फाउंडेशन पास करके भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ कोई बैरियर नहीं है. अगर आप फाउंडेशन पास करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको 36 महीने की करनी पड़ेगी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी कंपनी या CS के अंडर में जो CS इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड है. एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद आपको 24 महीने की ट्रेनिंग करनी है. वो ट्रेनिंग 24 महीने की रह जाएगी, जो फाउंडेशन पास करने के बाद 36 महीने की थी. और वंस यू पास द फाइनल, आपकी ट्रेनिंग सिर्फ 12 महीने की हो जाएगी, क्योंकि आपका जो समझ का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. तो आपको फिर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट कम रहती है. तो 12 महीने के दौरान आपको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी में जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पूरा कंपनी सेक्रेटरीशिप का वर्क समझ में आएगा. कैसे फाइलिंग होती है, कैसे बोर्ड मीटिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको कीन इंटरेस्ट के साथ सीखनी पड़ेंगी. तो जितना अच्छे से आप सीखेंगे उस पीरियड में, उतने अच्छे आप प्रोफेशनल बन के निकलेंगे. सर, इस प्रोफेशन को चूँकि लीगल स्ट्रेंथ भी दी गई है, क्योंकि देयर इज सर्टेन प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग प्रैक्टिस रिगार्डिंग द सर्विस, तो वो क्या प्रोविजंस है जो इस कोर्स को बहुत एम्प्लॉयबल बना देते हैं बच्चों को? कोर्स में एम्प्लॉयमेंट की इस तरह से आती है कि हर वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई और जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसको कंपनी सेक्रेटरी कंपल्सरी रखना है एज पर कंपनीज एक्ट नॉर्म्स. आप मतलब कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसको कंपनी सेक्रेटरी रखना ही रखना है. इसके अलावा अगर 10 करोड़ से ज्यादा किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल है तो उनको की मैनेजर पर्सन अपॉइंट करना होता है. और CS इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए KMP. सो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप मल्टी बिग कॉर्पोरेट में, मल्टी लेवल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं. इसके अलावा आपका प्रैक्टिस आस्पेक्ट भी रहता है, जहाँ पर आपके लिए कुछ रिजर्वेशन है. जैसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई थी कंपनीज एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद सेक्रेटरियल ऑडिट, जो कि एक नॉन फाइनेंशियल ऑडिट है. अब तक हमने देखा फाइनेंशियल ऑडिट्स हैं, वो जिसमें रुपए का या अकाउंट्स का लेखा जोखा रखा जाता है,
बट सेक्रेटरी ऑडिट में आपकी लॉ की ऑडिट की जाती है कि कंपनी ने जो उस पर एप्लीकेबल लॉज है उनको प्रॉपर पालना की है या नहीं की है, उसमें कोई वायोलेशन तो नहीं है, और वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है. इट्स एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी के अलावा कोई प्रोफेशनल सेक्रेटरी ऑडिट नहीं कर सकता. बहुत अच्छा. तो दोस्तों, अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत बेहतर है. आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये प्रोफेशन आपको प्रैक्टिस की भी अनुमति देता है. गर्ल्स के लिए ये प्रोफेशन बहुत सूटेबल है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है. आप अपने घर के साथ भी अपने ऑफिस को मैनेज कर सकते हो. तो कुल मिलाकर ये जो प्रोफेशन है, ये जो करियर है, ये बहुत ही बेहतरीन करियर है. आज सर आपने इतनी बेशकीमती बातें हमारे साथ शेयर की, मैं आपको शुक्रिया देना चाहूँगा. आज हमारे बीच में इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हैं. मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. शुक्रिया. थैंक यू सो मच.